फ्रेंड्स, मेरा नाम उमेश है और मैं आज आपके सामने माई पेइंग एड्स जो कि एक मनी मेकिंग ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है और ये कंपनी जो है माई पेइंग एड्स, ये एक साल हो गया है इस कंपनी को रन करते हुए और मैं इसकी आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे आप इसको इससे अच्छा अर्न कर सकते हैं घर में बैठे हुए। ठीक है, तो चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको माई पेइंग एड्स पे। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेरी एक डेमो साइट है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना हो तो मेरा यहाँ कॉन्टैक्ट पेज पे आके इस पेज पे आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कीजिए और मैं आपके यहाँ पर कहीं भी किसी भी तरीके से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको उसी टाइम हेल्प कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको लेके जाता हूँ कि माई पेइंग एड्स कैसे है और क्या काम करता है और आप कैसे इसे अर्न कर सकते हैं। चलिए, ये है माई पेइंग एड्स का नया लेआउट। ठीक है, तो मैं इसमें लॉगिन होता हूँ सबसे पहले। तो आप देख रहे हैं लॉगिन हो गया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे आपने काम करना है और क्या काम है आपका और आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये तो माई पेइंग एड्स का हो गया पूरा लेआउट। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे पास 5.31 यूएस डॉलर अभी मेरे जो है अर्निंग बैलेंस में पड़े हुए हैं। इससे मैं और शेयर्स भी परचेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये काम कैसे करता है मैं आपको भी बताता हूँ। यहाँ पे मेरे पास प्रेजेंटेशन पड़ी है जो कि मेरे एक फ्रेंड ने बनाई थी, कपिल भोला करके उनका नाम है, और मैंने थोड़ा सा इसको अपडेट किया है तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा जो कि आपको एक्सप्लेन करेगा कि माई पेइंग एड्स क्या है। ठीक है, तो ये ओपन हो गई है। तो ये है माई पेइंग एड्स प्रोग्राम जो कि स्मूथली रन कर रहा है मार्च 2015 से। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी पेपाल की जो है माई पेइंग एड्स में, तो अभी जो है ये सभी के फंड्स जो पेपाल ने फ्रीज कर लिए थे काफ़ी टाइम के लिए, नियर अबाउट 3-4 महीने के लिए, और ये अभी रिलीज़ करने वाला है जुलाई के मंथ में। तो हमारे पास कह सकते हैं आप अभी ये जो प्रोग्राम दोबारा लॉन्च हुआ है ये हुआ है मार्च 17 को ये दोबारा लॉन्च हुआ है प्रोग्राम। तो अभी ये प्रोग्राम फिर से स्टार्ट हो गया है, इसका सेकंड पार्ट आप कह सकते हैं माई पेइंग एड्स है। ये प्रोग्राम है क्या बेसिकली, ये है इनके ओनर उदय नारा जो कि इंडिया से ही हैं। तो ये 100% स्टेबल प्रोग्राम है और ये ओनर ने कहा है कि ये प्रोग्राम मिनिमम 5 to 10 years नेक्स्ट रन करने के लिए बनाया गया है और इसका ऑलरेडी 1 year तो कंप्लीट हो ही गया है। तो अभी ये प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया चल रहा है। मैं आपको लेकर चलता हूँ कि इसमें आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुराने कई ये जो होते हैं ये रेवेन्यू शेयर प्रोग्राम होते हैं, जिनको नहीं पता मैं उनके बारे उनको बताना चाहूँगा। रेवेन्यू शेयर प्रोग्राम में क्या होता है, आप अपने कुछ मनी को एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ करते हैं, इन्वेस्ट नहीं कह सकते, आप अपने बिजनेस के लिए को प्रमोट करने के लिए, जैसे आपने कुछ शेयर परचेज कर लिए, यहाँ पे शेयर्स परचेज करने होते हैं। जैसे ये फॉर एग्जांपल है, तो यहाँ पे 602 शेयर्स हैं किसी के पास, तो माई पेइंग एड्स जो है इसकी कंपनी में एक शेयर जो इन्होंने प्राइस है, एक शेयर का प्राइस है, यहाँ पे आप देखेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको अभी, हाँ ये आया। माई पेइंग एड्स कंपनसेशन जो प्लान है इनका कैसे काम करती है, ये जो है इनका $5 का एक एड पैक प्लान है। ठीक है, तो आप जितने ज़्यादा आपके पास शेयर होंगे उतनी ज़्यादा आपको अर्निंग होगी। ठीक है, तो ये अर्निंग बता रहे हैं, रेवेन्यू शेयर रिवॉर्ड्स नॉन गारंटेड एडिशनल रिवॉर्ड्स अप टू 120%। तो ये आपको $5 का अगर आप लगाते हैं तो आपको 120% देगा। कैसे 120% कितना हुआ, 120% हो गया नियर अबाउट आई थिंक $6 के नियर अबाउट, यस $6 के नियर अबाउट हो गया। और यहाँ पे कोई नो रीपर्चेज रूल लिखा हुआ है इन्होंने, और मैक्सिमम एड पैक वन कैन हैव एड पैक मतलब एड पैक शेयर्स जो ये $5 है, ये 100 एक एड पैक प्लान वन में हो सकते हैं एक पर्सन के पास। ठीक है, तो फिर वो 2 में जंप कर सकता है, फिर आगे ऐसे 3 है, आगे 4 है, ऐसे डिफरेंट जो है आप लेवल्स में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ कि अभी मैं इसमें लॉगिन हुआ हूँ, जैसे ये माई पेइंग एड्स है, तो इसमें आपको बेसिकली काम क्या करना है, आपको जैसे आपने थोड़ा सा अपना एडवर्टाइजमेंट के लिए अपने किसी भी बिजनेस को जो आप अभी कर रहे हैं, कोई भी साइट है आपकी, उसको आप प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास अभी कितने शेयर हैं। मेरे पास ये दिखा रहा है 32 एक्टिव शेयर हैं अभी, और मेरा एक रेफरल्स है, मेरा एक जो नीचे ज्वाइन हुए हैं मेरे फ्रेंड, और ये मेरे पास 32 एक्टिव शेयर हैं। तो 32 एक्टिव शेयर्स का मतलब क्या हुआ, एक शेयर अगर $5 का है तो मेरे पास 32 हैं, तो ये कितने हो गए $160। बट मैंने $160 नहीं इन्वेस्ट किए हैं इसमें, मैंने इन्वेस्ट किए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अर्निंग हिस्ट्री,
जो मैंने इन्वेस्ट किए हैं वो नियर अबाउट, मैंने 17 को ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था दोबारा, तो मैंने 21 को इसको ज्वाइन किया था, क्योंकि मैं अपना प्रोसेसर का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही थी उसको ठीक करके मैंने फिर दोबारा ज्वाइन किया इसको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 16 21 को ज्वाइन किया था, मार्च 21 को, तो 16 शेयर्स मैंने डायरेक्टली एक एक ही फर्स्ट डे परचेस किए, जो कि $80 के थे, ठीक है। उसके बाद मैंने धीरे धीरे शेयर्स यहाँ पे $45 आप देख सकते हैं और परचेस किए 9 शेयर्स में। तो ये जो अर्निंग्स हैं ये मैंने सभी शेयर खुद ही नहीं परचेस किए, ये सिस्टम जो है मुझे, सिस्टम्स की अर्निंग के थ्रू मुझे जो है शेयर्स परचेस हुए हैं, ठीक है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने $80 इन्वेस्ट किए हैं तो $23 ने मेरे को अर्निंग्स दी, ठीक है, अर्निंग्स दी, तो $23 जो अर्निंग्स में से मैंने और शेयर्स जितने हो सके उतने परचेस किए, और बाकी थोड़ी सी और इन्वेस्टमेंट लगा के $45 की मैंने और जल्दी इसको और जल्दी रन करने के लिए, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा और अपना इसमें मनी जो है एडवर्टाइजमेंट के लिए लगाई, और जल्दी ग्रो होने के लिए मैंने आगे इसमें रेडी हो गया हूँ, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जो कि काफ़ी एक साल तो इसको करीब करीब अभी पूरा हुआ है थोड़े दिन पहले, तो आज जो डेट है वो है 5 अप्रैल है, 5 अप्रैल है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं घर बैठे पैसा बनाऊँ और ज़्यादा टेंशन भी ना हो मुझे रेफरल्स की या किसी और चीज़ की, तो आप चुप करके इसमें अपना कोई भी बिज़नेस प्रमोट कर सकते हैं। अगर आपका बिज़नेस नहीं भी है, कोई आप बिज़नेस अभी नहीं भी कर रहे हैं, तो अभी आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दूंगा। और ये है मेरी अर्निंग हिस्ट्री, जो जो मैंने पैसे यहाँ पे लगाए हुए हैं आप देख सकते हैं। ये मैंने $80 लगाया था खुद की मनी से, तो $5 फिर लगाया था, $45 फिर लगाया था, जो ये सामने आपको ट्रांजेक्शन आईडी दिखा रहा है आपको नंबर, तो ये जो आपको ब्लैंक दिखा रहा है यहाँ पे, ये मैंने शेयर्स जो हैं $5 के ये 4-5 शेयर जो यहाँ पे दिखा रहा है, ये मैंने इसी अपनी जो अर्निंग थी, जो मैंने अर्निंग लगाई थी $140 के नियर अबाउट मैंने अभी तक लगा दिया है, तो इसी अर्निंग से मैंने और शेयर्स परचेज कर लिए। तो आप देख सकते हैं कि इस शेयर इन्हीं अर्निंग से मुझे और भी शेयर्स परचेज हो गए हैं। तो और ये जब इनका एक रूल है, जब ये शेयर्स जो होते हैं ये इनकी मेच्योरिटी होती है, जैसे यहाँ पे ये बोलते हैं कि 120% जो है रेवेन्यू, जैसे $5 का एड पैक है तो आपको 120% देगा, 120% देने के बाद वो एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। तो आपको जो होते हैं आपके वो पुराने शेयर्स एक्सपायर हो जाएंगे, और जो नए आपने परचेज किए होंगे उनके द्वारा आपको अर्निंग जो है स्टार्ट होती रहेगी। तो मैं आपको आज स्ट्रेटजी बताता हूँ कि कैसे आप इसमें अर्निंग कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि मोस्टली जो रेवेन्यू शेयर प्रोग्राम होते हैं उनमें रूल होता ही ये कैश बैलेंस और रीपर्चेज बैलेंस होता है। जैसे आपने सपोज़ किए $100 आपने अपना प्रमोशन के लिए यहाँ पे लगाया, ठीक है, माई पिंग एड्स या किसी और बिजनेस में, तो पहले रूल था और आज भी काफ़ी कंपनीज में ये रूल चलता है कि आपका जो 70-30 या 60-40 के जैसे भी कंपनी को सुटेबल लगे, जैसे 70% जो आपका इनकम होती है वो जाती है आपकी रीपर्चेज बैलेंस में, ठीक है, जो कि आप दोबारा रीपर्चेज, मतलब आप दोबारा इससे ये शेयर्स परचेज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास अभी 32 है वहाँ पे, ये किसी और की स्नैपशॉट मैंने गूगल से उठाई है, तो मेरे पास जैसे अभी 32 है, तो मैं रीपर्चेज मनी मेरे पास होगी, जैसे ये अभी अर्निंग बैलेंस यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये मेरा रीपर्चेज नहीं कह सकते आप, ये मेरा, मैं आपको बताता हूँ क्या बोलते हैं इसको, ये मेरी मनी है, तो इससे मैं और शेयर्स परचेज कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने $100 लगाया लेट्स सपोज, तो मेरा जो है $30 जो मेरा कैश बैलेंस में जाएगा, जो कि मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, और रीपर्चेज बैलेंस में जाएगा मेरा 70%, ताकि ये कंपनी इसलिए करती है क्योंकि सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली मनी जनरेट करता रहे और इसमें सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ना आए, मनी ख़त्म होने के ऐसा कुछ कारण ना हो जाए, ठीक है। तो अभी माई पेइंग एड्स में क्या है, माई पेइंग एड्स में आपको यहाँ पे स्नैपशॉट दिखाता हूँ, ये माई पेइंग एड्स में क्या है कि यहाँ पे कोई देर इज़ नो रीपर्चेज रूल, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं नो रीपर्चेज रूल, सो ऑल मनी कम्स इन कैश बैलेंस, मोर फास्ट अर्निंग कैपेबिलिटी एंड यू कैन विड्रॉ योर मनी एट एनी टाइम, ओके। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो ये अब माइपिंग गेट्स का बैक ऑफिस है, तो ये अर्निंग बैलेंस जो है ये आ रही है $5.31 मेरी पूरी अर्निंग बैलेंस में आई, तो ये पूरा मेरा कैश बैलेंस आप बोल सकते हैं, टोटल मेरा जो है देखिए अब रीपर्चेज बैलेंस में या कैश बैलेंस में मेरा कोई भी यहाँ पे पैसा नहीं दिखा रहा है, तो ये सारा पैसा मेरे पास ही है, तो मैं चाहूँ तो इसको विड्रॉ कर सकता हूँ, बट मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी मेरा जो है लाइफ लॉन्ग के लिए मुझे अर्निंग इससे माई पेइंग एड से होती रहे, तो मैं इसको अगेन रीपर्चेज कर लूँगा एक और शेयर। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। अभी मेरे पास $5 का एक शेयर था, तो यहाँ पर 5.31 मेरे पास जो है
पैसे हुए हैं, अमाउंट हुआ है डॉलर, तो मैं आपकी आपको परचेज करके दिखाता हूँ। तो ये हम यहाँ पे क्लिक करेंगे बाय एड पैक। ये मैं स्पेशली वीडियो इंडियन फ्रेंड्स के लिए बना रहा हूँ, जिनको अभी ज्वाइन करना है या जिन्होंने अभी कभी ज्वाइन किया नहीं है, तो वो समझ जाएंगे कैसे काम करना है और क्या है। काम कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको दो मिनट या 5 मिनट का हार्डली डेली काम होता है। मैं आपको वो भी करके बताऊंगा कैसे होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, बाय एड पैक करूँगा मैं। तो मैं बाय एड पैक में एड पैक 1 से लेके 4 प्लान हैं इनके पास, तो मैं 1 में हूँ अभी, $5 का है परचेज कर रहा हूँ एक पैक में। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये दिखा रहा है कि पेमेंट प्रोसेसर, कैश बैलेंस, अर्निंग, ये वो रिपर्चेज और कमीशन, मेरे पैसे पड़े हुए हैं जो है अर्निंग बैलेंस में आए हुए हैं $5.31। ठीक है, तो मैं नीचे आऊँगा, परचेज करना है एड पैक मुझे $5 का। एड प्लान 1 में 32 है मेरे पास आउट ऑफ 100 में से, तो मैं अर्निंग बैलेंस में यहाँ पे क्लिक करूँगा। अर्निंग में क्यों करूँगा, क्योंकि मेरे अर्निंग में शो हो रहा है, बाकी कहीं भी नहीं शो हो रहा। ठीक है, अगर आपका कमीशन में शो हो रहा है यहाँ पर, आपको कमीशन भी मिल रही हैं, तो आप जैसे आपको सुटेबल लगे आप कमीशन पर भी क्लिक कर सकते हैं, पर मेरा अभी अर्निंग में, तो मैं इसी में जाऊँगा। ठीक है, तो मेरा ये जो पेमेंट प्रोसेसर है, पेमेंट प्रोसेसर क्या है, जिससे मैंने मनी ऐड की थी, ठीक है, कॉइन पेमेंट से की थी मैंने। मैंने एक शेयर परचेज करना है, यहाँ पर मैं एग्री करता हूँ उनकी टर्म्स को और पे नाउ करता हूँ। तो यहाँ पे आया पोजीशन परचेज सक्सेसफुली। अब मैं देखता हूँ पोजीशन परचेज जो शेयर है मेरा 32 के 33 हुए कि नहीं। देखिए अब 33 शेयर्स हो गए, तो मतलब ये मेरा ये परचेज हो गया है पैक। तो यहाँ पे आप बैलेंस दिखा रहा है 0.38, तो इसका मतलब एक्यूरेटली परचेज हुआ है। ठीक है, तो इस तरह आपको जितने ज़्यादा आपके पास शेयर होंगे उतनी ज़्यादा आपको अर्निंग होगी। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ जैसे यहाँ पे दिखा रहा है आपको करना क्या है इसमें। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्फ 9 एंड्स अगेन आफ्टर 5 hours 36 minutes and 12 seconds। तो मतलब ये बोल रहा है कि 9 एड्स को मुझे क्लिक करना है 5 घंटे बाद, जैसे पूरे दिन में 24 घंटे में मुझे बस एड्स पे क्लिक करना होता है। अभी वो कैसे करेंगे, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट सर्फिंग, तो मैं यहाँ पे करूँगा। यहाँ पे आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे करके बताता हूँ आपको स्टार्ट सर्फिंग। दोनों से सेम पेज ही खुलेगा जहाँ भी क्लिक करेंगे आप। मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, शॉर्ट में मैं आपको सारा डिस्क्राइब कर दूँ कि कैसे होता है। तो ये दिख रहे हैं आप यहाँ पे बार आई है, ये बार 10 सेकंड के लिए लोड होएगा टाइमर। ये जैसे ही हुआ है तो आपको क्या करना है, उसके बाद ये आपको एक इमेज दिखाएगा जो कि ये इमेज है। इस इमेज को आपको देखना है, ये यहाँ कौन सी सेम इमेज दिखा रहा है, तो इसकी सेम ये है, इस पर मैंने क्लिक किया और अब दिखा रहा है योर अकाउंट इज सक्सेसफुली क्रेडिटेड। तो ये आपको नेक्स्ट साइड पर क्लिक करना है, नेक्स्ट साइड पर यहाँ दिखा रहा है यू हैव क्लिक्ड 1 ads इन दिस सेशन। ऐसे करके आपको 9 ads क्लिक करनी है पूरे दिन में, या 10, बेसिकली तो 10 होती हैं, मैंने एक पहले कल की ज़्यादा कर दी थी, तो ये 9 ads दिखा रहा है। तो बेसिकली आपको 10 ads रोज़ की ऐसे बस इतना टाइम ले रही है, देखो कुछ भी टाइम नहीं ले रही है। और ये आपको दोबारा दिखा रहा है सक्सेसफुली क्रेडिटेड। तो बेसिकली आपको ये 10 ads पे डेली क्लिक करना है आपको अगर माई पेइंग एड्स से अर्निंग करनी है। तो इस तरह आपको यहाँ दिखा रहा है, आप देखिए यू हैव क्लिक 2 ads इन दिस सेशन। अब ये हो जाएगी तो ये हो जाएगी 3 ads हो जाएंगी यहाँ पे क्लिक। ठीक है, तो बेसिकली यही जो है सिस्टम है और कुछ भी काम नहीं। कोई आपने किसी को अगर नहीं आप रिक्रूट कर सकते तो आपको रिक्रूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छा इन्वेस्टमेंट लगाइए और आगे बढ़िए। ठीक है, गो बैक टू योर अकाउंट जाता हूँ मैं, क्योंकि अब ये सभी नहीं अभी करूँगा मैं, बाकी जो बचे हुए मैं बाद में कर लूँगा। तो अभी ये दिखा रहा है 6 ads बचे हैं क्लिक करने के, तो मैं बाद में कर लूँगा। मैंने जस्ट डेमो के लिए आपको बताया था कि कैसे करना है। ठीक है, तो ये माई पेइंग एड्स है और इसकी स्ट्रेटजी तो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। जो है अभी मेरे पास 33 शेयर्स हैं, तो मैं नहीं चाहता कि अभी मैं ये जो $5 मेरे पास आए थे इसको मैं विड्रॉ कर लूं, क्योंकि आप करने को तो कर सकते हैं, पर आपका अकाउंट मैं चाहता हूं कि इससे मैं कम से कम 5 या 10 साल तक आगे अच्छी अर्निंग करता रहूं और वीकली $100 या जो भी मेरी टारगेट है उसको मैं वीकली या डेली के हिसाब से भी विड्रॉ कर सकूं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं इसकी आप अर्निंग कैसे करेंगे। ठीक है, इसमें कोई कैश वेल रिपर्चेज रूल नहीं है, तो सारी मनी है जो है आपके पास ही आती है। ठीक है, तो आप इसको विड्रॉ भी करा सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप विड्रॉ ना कराएं, और क्योंकि आप अपने जो बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रोग्राम, अपने माई पेइंग एड्स में एडवर्टाइजमेंट के लिए, अपने जो है बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा ताकि ये और अच्छा ग्रो करे। और यहाँ पर मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ, रेजिडुअल इनकम जो है आप अर्न कर सकते हैं। द बेस्ट स्ट्रेटजी, यहाँ पे मैंने एक स्नैपशॉट है, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। हाँ ठीक है, द बेस्ट स्ट्रेटजी विच आई एम फॉलोइंग एंड ऑलमोस्ट एवरीवन इन द ग्रुप इज फॉलोइंग टू गेट द मैक्सिमम आउटपुट, ट्राई टू परचेज एज मेनी शेयर्स एज यू कैन फॉर द फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स यूजिंग कैश बैलेंस प्लस रीपर्चेज बैलेंस। ये स्नैपशॉट थोड़ा पुराना है, पुराने MPA का है, पर मैं आपको
जो है मेन गाइड करता हूँ कि कैसे आपने करना है। तो यहाँ पे जैसे लिखा है ट्राई टू परचेज एज मेनी शेयर एज यू कैन। तो यहाँ पे जैसे मेरे पास अभी 32-33 शेयर हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आएँ ताकि मेरे पास शेयर अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा आए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स और परचेज कर सकूँ। और जो है आपको एक अपना टारगेट रखना है, जो आपका टारगेट है यहाँ पर लिखा है आफ्टर यू रिकवर योर सीड मनी। सीड मनी क्या होती है? सीड मनी जैसे मैंने अभी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकता, प्रमोशन के लिए मैंने अपना जो यहाँ पे परचेज किया था $140 से प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट परचेज की थी मैंने। तो जो मैंने परचेज की थी वो होती है सीड मनी जो आपने लगाई है, सीड मनी। ठीक है, आफ्टर यू रिकवर योर सीड मनी, ये बोल रहा है जैसे आप अपनी सीड मनी रिकवर कर लेंगे, यू गो स्ट्रेट बाय रीपरचेजिंग मोर एंड मोर पैक्स। होता है जैसे आप अपनी अपना एक टारगेट सेट कीजिए कि देन सेट योर गोल ऑफ डेली इनकम $50 to $100 पर डे, जितना आप विड्रॉ कराना चाहते हैं आप अपने गोल सेट कीजिए सबसे। और यू कीप रीपरचेजिंग अंटिल योर रीच द नंबर ऑफ शेयर्स दैट मे अप्रोक्सीमेटली यील्ड यू द अर्निंग्स दैट इज इक्वलेंट टू योर गोल $50 और $100 डेली। ठीक है, और विदाउट मिनिमाइजिंग द नंबर ऑफ योर शेयर्स। दिस इज अ बेसिक स्ट्रेटजी बट स्टिल एवरी मेंबर हैज इट्स ओन पर्सनल स्ट्रेटजी फॉर इज ओन एज वेल फॉर इज टीम अप्लाइंग विच दे आर एक्सप्लोरिंग एक्सेलेंट रिजल्ट्स एंड अर्निंग लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दिस प्रोग्राम। ओके, तो ये बेसिकली क्या बोल रहा है? ये बेसिकली बता रहा है कि आपको फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स के लिए आपको जो आपने अपना जो अपना एडवर्टाइजमेंट के लिए मनी इसमें पुट की है, वो उस कपल ऑफ मंथ्स के लिए उन शेयर्स को आप विड्रॉ मत कीजिए। मेरा जो आपको सजेशन है वो मैं यही कहूँगा कि जैसे कि अभी मैं जो रूल फॉलो कर रहा हूँ, मेरे अभी 33 शेयर्स हैं, तो अभी मंथ है जो चला हुआ है वो चला है अप्रैल का 5 है आज ट्यूसडे। ठीक है, मतलब हम लगा के चलते हैं अप्रैल है मेरे पास, मई और पूरा जून, ये 3 महीने हैं। इनमें महीने में मैंने बिल्कुल भी विड्रॉ नहीं करना है 1 रुपया भी, और सारा पैसा जो है मेरे जो बैलेंस में आएगा वो मैंने इसको शेयर्स को आगे बढ़ाने के लिए लगाना है ताकि और शेयर्स हो जाएं। तो जब मेरा गोल मिनिमम जो सेट हो जाएगा कि हाँ भाई मैंने $50 या $100 पर डे मैं निकाल सकता हूँ, या मेरा जो भी आपका अपना जो भी होगा, ये तो मैं अपना बता रहा हूँ, आपका जो भी अपना गोल सेट किया होगा आपको डेली विड्रॉल कितना चाहिए, तो आप उसने अपनी सीड मनी को निकाल के तो आप थोड़े टाइम के बाद अपना जो है रिप अपना जो है डेली या वीकली जैसे आपको अच्छा लगे, या मंथली विड्रॉल कराना है तो वो भी बेस्ट है, जैसे आपको अच्छा लगे वो विड्रॉल आप डेली कराइए वीकली कराइए जैसे भी आपको अच्छा लगता है, और अपना रेजिडुअल इनकम जो है आपकी माइपिंग एड से डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। तो ये बेसिक स्ट्रेटजी है जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल फॉलो करते हैं, और मैं भी ये फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी ज़्यादा कंपनीज में इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि मैं उन्हीं कंपनीज में ज्वाइन करता हूँ जो कि 100% स्टेबल लगती हैं। और उदय नारा जो है ये 100% स्टेबल प्रोग्राम लेके आए हैं माइपिंग एड्स, जिसको ऑलरेडी 1 साल तो हो ही गया, और इन्होंने यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है वी आर नॉट एन इन्वेस्टमेंट, नॉट हाइप, गेट रिच क्विक स्कीम, MLM और साइक्लर मेट्रिक्स एनीथिंग। तो ये बेसिकली बोलते हैं कि माइपिंग एड जो है एक एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है विच डिलीवर वेरी हाई क्वालिटी प्रो ट्रैफिक विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो आप अगर कोई भी बिजनेस अभी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं तो बेस्ट है आप इसमें वो बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, बैनर एड्स इनकी जो सर्विसेज है यहाँ पे देखिए, बैनर एड, टेक्स्ट एड, लॉगिन एड्स, जैसे भी आपको अच्छा लगे वो वैसे आप प्रमोट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको सब A to Z गाइड कर दूंगा कैसे आपने प्रमोट कर सकते हैं और कैसे नहीं। बाकी कोई ज़्यादा इसमें काम की ज़रूरत नहीं है, बस आप अच्छी अर्निंग कीजिए। मैं सजेस्ट करता हूँ आपको कि आप मिनिमम जो है अगर आपके पास $100 हैं तो आप $100 इसमें स्टार्ट कर कीजिए, क्योंकि $100 जो है आपकी जो है बहुत अच्छा इफेक्ट तो नहीं देगा, पर एक अच्छी आपको ग्रोथ लॉन्ग टाइम में ज़रूर देगा। 3-4 महीने के बाद $100 भी आपको अच्छी अर्निंग देना स्टार्ट कर देगा, बट बीच बीच में अगर आपके पास मनी है तो आप $100, 200, 300, 500, 1000, जितना आपको अच्छा लगे उतना इन्वेस्ट कीजिए। और एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं जो अपने सभी फ्रेंड्स को कहता हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन में तो थोड़ा सिक्योर भी रहिए, क्योंकि हमारा जो है हमें थोड़ा सा अगर जब हम बिजनेस करते हैं तो सभी किसी लीडर ने कहा है कि सभी एग्स एक ही उसमें नहीं डालना पकेट में, तो मेरी बात से आप मुझे लगता है सहमत होंगे। तो ये है मेरे सारा प्रोसीजर जो है माई पेइंग एड्स का। तो आप भी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे हुए, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या अपना कोई जॉब कर रहे हैं तो आपको कोई भी जॉब में रुकावट नहीं आएगी, बस ये 10 एड्स जो है डेली की आपको यहाँ पे क्लिक करनी है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, ये जो अर्निंग यहाँ पर आती है वो उसके लिए। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपकी अर्निंग आती जाएगी। अब आप 10 एड्स क्लिक करिए,
24 घंटे में एक बार। तो बस आपको यही काम है और अच्छी अर्निंग आप माई पेइंग एड्स से कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई घबराने की बात नहीं है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेझिझक आप मेरा ये जो रेफरल लिंक यहाँ पर है, ये मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है वीडियो के, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कीजिए। और सबसे एक और बात जो मैं करना चाहूँगा आपको कि अगर जब आप इस लिंक को ओपन करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो मेरा लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, रेफरल लिंक है, अगर मेरे साथ मेरी टीम में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जब ये ऐसे करके साइन अप करेंगे तो मैं बताता हूँ आपको, साइन अप करेंगे तो यहाँ पे स्पॉन्सर का नेम आएगा, स्पॉन्सर का नेम होगा ये आपको चेक करना है, और या फिर आप मुझे पहले कॉन्टैक्ट कीजिए कि स्पॉन्सर का नेम जो है उमेश वन वन करके शो होना चाहिए, जो कि मेरा स्पॉन्सर मेरा नाम होगा बिफोर कंप्लीटिंग रजिस्ट्रेशन। बट मैं सजेस्ट करता हूँ आपको कि कंप्लीटिंग रजिस्ट्रेशन से पहले आप मुझे एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिए और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फिर गाइड करूँगा कैसे आपने आगे करना है, ठीक है। तो यही था माई पेइंग एड्स और इसका स्ट्रेटजी और इसका वे ऑफ वर्किंग जो मैंने आपको अभी डिस्क्राइब किया। तो आप इसमें काम कीजिए और अच्छी अर्निंग के लिए आप रेडी हो जाइए, ठीक है, ऑनलाइन। तो आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैंने पहले आपको बताया मेरे कॉन्टैक्ट पेज पे आके, ठीक है, ये भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो करिए अच्छी अर्निंग अच्छी इन्वेस्टमेंट से, सॉरी इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम नहीं है अपना, आप अच्छा इनकम डालिए और अच्छी अर्निंग के लिए अच्छे शेयर्स परचेज करके बढ़िया और अच्छा से अर्निंग मंथली रेजिडुअल जो है घर से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, बाय।